के आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि इसको गंभीरता से लिया और मुझको लगता है कि वित्तीय वर्ष में कार्य स्थगन प्रस्ताव मेरी जानकारी में दूसरी बार जो है यह स्वीकृत किया गया है और जो आपने स्वीकृति दी है इससे मैं कह सकता हूं कि सदन की भी गरिमा बढ़ी है और सदन के जो नेता है और जो सदस्य है उनके प्रति भी जो है गंभीरता दिखाने का और पूरे देश में यह संदेश देने का इस विधानसभा ने यह काम किया है कि इस घटना से हम मर्माहत भी हैं, दुखी भी हैं, हम इसका उपाय भी सोचते हैं। मगर महोदय एक मेरा बीच में ये था कि चूंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव जब आपने स्वीकृत कर लिया तो कार्य सूची के आज के सभी कार्य जो है वो स्थगित हो गए और चूंकि कार्य स्थगन प्रस्ताव आपने स्वीकृत किया है तो इसके लिए एक तो समय निर्धारित करते थे, समय निर्धारित नहीं किए हैं तो इसका मतलब कि जब तक यह बहस चलता रहेगा तब तक अन्य कार्य जो है वो स्थगित हो जाएंगे। महोदय एक मिनट सर, ये आपके नियमावली में ही स्पष्ट रूप से रेखांकित है कि जब कभी कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो यह है कि इसका समय 2 घंटे होगा, ये कार्यसूची में है। और ये भी लिखा है कि यदि आरंभ से 2 घंटे के भीतर वाद विवाद समाप्त न हो तो 2 घंटे के अंत होने पर वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, ये आपके नियमावली में लिखा है। ये एक बात। दूसरी बात ये भी इसमें है कि वाद विवाद समाप्त हो जाने के बाद सभा उस दिन का कोई अन्य कार्य संपादित कर सकेगी, ये आपके नियमावली। आगे आप जारी रखिए। महोदय सत्र था तो उस दिन भी सदन ने अपनी गंभीरता दिखाई और उन मृत बच्चों के प्रति जो है सदन ने जो है शोक संदेश ज्ञापित किया। महोदय ये जो घटना घटी है यह कोई आज का इस साल का यह पहली घटना नहीं है बल्कि यह 10-15 साल से ये घटनाएं घट रही हैं। मगर इस बार जो घटना घटी है और इस बार जो बच्चे हमारे मरे हैं तो उसने सारे देश को झकझोर दिया है और यही देश ही नहीं बल्कि मीडिया ने जो रुख अपनाया है, हालांकि मीडिया के बहुत बातों से सहमत हम नहीं हैं कि एक तरछा अटैकिंग का उन्होंने एक तरह से एजेंडा बनाया, मगर यह जो घटना है तो हम जो बिहार हैं, बिहार भारत का अंग है, भारत एक गणराज्य है, उस गणराज्य का एक सूबा बिहार भी है। बिहार सरकार की जहां जिम्मेदारी बनती है वहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हट सकती है। मैं प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने बहुत एक तरह से सख्त टिप्पणी की। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग भी हैं वो सख्त टिप्पणी कर देते हैं, मगर इसका उपाय क्या होगा, इसके लिए बजटीय प्रोविजन क्या होगा, इसके लिए बिहार को विशेष सुविधा क्या दी जाएगी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। जब घटना घट जाती है तब जो है आते हैं लोग और वही बात को दोहराकर चले जाते हैं जो
उसमें की ऑटो घोषणा इससे बड़ा मजाक बिहार के लिए क्या हो सकता है कि एक केंद्रीय मंत्री आए और 5 साल पहले जो घोषणा करे और वो घोषणा इम्प्लीमेंट नहीं हो तो इसका मतलब कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसकी प्राथमिकता सूची में बच्चों की मौत का रोकथाम करने का विषय नहीं है। अगर बच्चों की मौत को रोकथाम करने का विषय होता तो केंद्र सरकार भी मदद करती, कार्यक्रम बनाती, विशेषज्ञ भेजते और उसके बाद जो है कोई न कोई निदान निकलता। महोदय, करीब जो समाचार पत्रों में है सरकार आधिकारिक रूप से बोलेगी, सरकार की अपनी आदत होती है कि जो उनके अस्पताल में जो लोग मृत हुए उसकी सूचना वो उपलब्ध कराते हैं। प्राइवेट में कितने लोग मरे, फिर दूसरे अस्पताल में कितने लोग मरे उसकी सूचना नहीं है, मगर कमोबेश लोगों का मानना है कि 200 से अधिक बच्चे मर गए। अब मैं ये कह सकता हूं कि यह जो 200 बच्चे मरे हैं गरीबों के बच्चे मरे, अगर ये बच्चे बड़े होते तो हो सकता है इसमें से कोई दूसरा नीतीश कुमार पैदा हो सकता था, हो सकता है इसमें से कोई दूसरा लालू यादव पैदा हो सकता था, हो सकता है कि इसमें कोई कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी पैदा हो सकता था। तो मैं कह सकता मारने की साजिश केंद्र सरकार अब आप कहिएगा कि कोई सरकार नहीं चाहती है मारना, कोई सरकार नहीं चाहती है मानना, मगर जब आप बार बार फेल कर रहे हैं तो आरोप तो आप में लगेगा और जब आरोप लगेगा तो उसको स्वीकार करना चाहिए। करना कोई गलत बात नहीं होता है, गलतियों को स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करना यह हमारा और आपका दायित्व होना चाहिए। अभी आज तो आय व्यय बजट का उस पर भी बहस होना है, हर साल सरकार बजट पेश करती है, 2 साल हम पेश किए उसके पहले सुशील मोदी जी पेश करते रहे, इस बार भी उन्होंने 2 साल का बजट पेश किया और जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो अपने विभाग का डिमांड लेके आते हैं। सरकार बताए कि बजट में जो स्वास्थ्य के लिए राशि का प्रोविजन किया गया उसमें क्या इस चमकी को रोकथाम करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाए गए, क्या उसके लिए कोई राशि निर्धारित की गई, क्या उसके लिए सरकार ने युद्ध रास्ते पर कोई अभियान छेड़ा? तो उन्होंने निश्चित रूप से इन्होंने सोचा कि इस मौसम में आता है और बरसात हो जाती है तब यह मंच खत्म हो जाता है। तो जब सरकार के मंशा में यह बात पे भर गई हो कि भाई ये तो अपने आप जो है लोग हल्ला करेंगे, गुल्ला करेंगे, इतने बच्चे मर गए, फलाने मर गए, अब जो विशेषज्ञ है उनकी राय अलग अलग भी है और बहुसंख्यक की राय एक सी है। पहले लोग कहते थे कि लीची खा लेता है उससे मर जाता है बच्चा, हमारा बच्चा आपका बच्चा लीची खाता है कहां मर रहा है, मर रहा है वही जो भूखे पेट रहता है, मर रहा है वही जो कुपोषित है, मर रहा है वही जो झोपड़ी बनाता है, मर रहा है वही जो एस्बेस्टस बैठ के अंदर रहता है, मर रहा है वही जो खेत और खलिहान में सोता है। तो खेत और खलिहान में सोने वाले के लिए, गरीब के लिए, झोपड़ी
एस्बेस्टस बैंड वाले के लिए आपने क्या कार्यक्रम बनाया, मैं समझता हूं कि आपने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया। आप फेल कर गए, आप भी फेल कर गए, केंद्र सरकार भी फेल कर गए। मुझे आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री ने कॉग्निजेंस लिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने कॉग्निजेंस लिया तो लोगों को लगा कि साहब प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बातें आई हैं। अब जो है बिहार को जो है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज इस काम के लिए मिलेगा। अब मुख्यमंत्री बताएंगे कि उनको प्रधानमंत्री ने क्या वादा किया। प्रधानमंत्री ने तो आपके बिहार में ही आके स्पेशल पैकेज का वादा करके गए थे। प्रधानमंत्री को आप सभी ने इस सदन में सर्वसम्मति से विशेष राज्य का दर्जा की मांग की थी। तो मुझको लगता है जिस तरह से टर्न डाउन स्पेशल पैकेज को किया, जिस तरह से टर्न डाउन इन्होंने विशेष राज्य के दर्जा को किया, उसी तरह सिर्फ मतलब बच्चे मर रहे हैं, बच्चे का हाथ टूट गया, बड़ा दुख की बात है। मगर अरे भैया, मर रहे हैं तो उसके भविष्य के लिए इलाज की व्यवस्था अगर आप करेंगे तब समझ में आएगा कि साहब आप सार्थक पहल कर रहे हैं और सचमुच में आप दुखी हैं। महोदय, अब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हमारे मित्र भी हैं, आपका जो कार्यक्रम चल रहा था तो मैंने ऐसी अनौपचारिक बातचीत में उनसे पूछा, अरे भाई अभी कहां कहां के प्रभारी आप हैं? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्या है, हम तो हमेशा इलेक्शन में फंसे रहते हैं, कभी झारखंड कभी उत्तराखंड फलाना। तो अब जब इनकी प्राथमिकता संगठन है, इनकी प्राथमिकता जब संगठन है तो सरकार का स्वास्थ्य विभाग का हालत तो खराब होगा ही। अगर इनको स्वास्थ्य मंत्री रखना है तो सुशील मोदी जी के तो चलती है संगठन, तो कम से कम प्रभारी से हटवा दीजिए। और अगर प्रभारी रखना है तो इनको स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से इस्तीफा करवा दीजिए। आप किसी को भी अपने ही घटक दल के प्रेरणा बना दीजिए। मैं उनका दर्द समझ रहा हूं, ये नहीं है, मगर इनकी प्राथमिकता संगठन है, इनकी प्राथमिकता जीत है, इनकी प्राथमिकता वोट है, इनकी प्राथमिकता गरीबों के बच्चे का नहीं है। गरीबों के बच्चे का प्राथमिकता होता तो बजट में और स्वास्थ्य के डिमांड में जरूर इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया होता और कार्यक्रम तय किए गए होते। महोदय, सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री ने ही कहा कि बड़ी चूक हुई है। तो बड़ी चूक हुई है तो उसका तो तय निदान होना चाहिए ना, कि सिर्फ कह देना कि बड़ी चूक हुई है। मैं कह सकता हूं महोदय कि जो इस बार की घटना घटी है, जितने लोग मरे हैं, इसमें सरकार भी शर्मसार हुई है, बिहार भी शर्मसार हुआ, राजनीतिक लोगों को भी।